नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे इसमें जो व्यापम के प्रीवियस पेपर्स हैं उनके बारे में। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, इसमें हम बात करने जा रहे हैं जनरल हिंदी के बारे में, ठीक है। और जनरल हिंदी जो है हमारी, ये ग्रुप चार की जो पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इसका जो पेपर का लेवल होता है वो कैसा होता है, ठीक है। देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूं स्ट्रेटजी वाले वीडियो में कि इनका जो लेवल होता है बहुत कम होता है, और मतलब ऐसी हिंदी पूछी जाती है कि नॉर्मली अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी, जैसे 17 क्वेश्चन इसमें आते हैं तो 17 में से आप 15 से 16 क्वेश्चन जरूर बना लोगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका है अंकुरित में प्रत्यय पहचानी है, तो देखिए अंकुरित, तो इसमें देखिए दो वर्ड हमें मिल रहे हैं अंकुर, एक तो अंकुर हो गया, फिर दूसरा क्या आएगा आपका इत, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका इत। प्रत्यय कौन सा वर्ड होता है? प्रत्यय होता है जो बाद में लगाया जाता है, शब्द के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंकुरित। फिर आपका मठ का पर्यायवाची शब्द होगा, तो मठ मतलब क्या होता है? आश्रम, जहां पे ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं वहां उनको क्या बोलते हैं? मठ बोलते हैं। निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, वर्तनी का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसमें, लगभग व्यापम के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये है परिस्थिति, इसका सही होगा परिस्थिति, ठीक है, ये सही वर्तनी होगी। फिर है निम्न पंक्तियों में छंद का चयन मतलब चयन कीजिए, तो यहां पे आपको दो पंक्ति दे रखी है इन्होंने और इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा छंद होगा। देखिए, आपको छंद के बारे में तो पता ही होगा, तो छंद में जैसे चौपाई होती है, दोहा होता है, सबका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से ये आपके छंद जो होते हैं वो बनते हैं। आपने काफी इनके बारे में सुना होगा, जैसे आपका चलेउ निसाचर कटुक अपारा चतुरंगनी अनि बहु धारा। देखिए, अब इसको अगर आप समझो तो यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पे क्या है आपका अपारा, यहां पे क्या है धारा, तो पारा और धारा। ऐसे अगर हम दूसरी चौपाई देखें, ये चौपाई है विविध भांत वाहन रथ जाना विपुल बरन पताक ध्वज नाना। देखिए, यहां पे आपको क्या मिल रही है? तुक मिल रही है, ठीक है। तो ये जो तुक है ये जनरली किसमें मिलती है? चौपाई में मिलती है, एक तो ये हो गया। चौपाई होता क्या है? चौपाई एक मात्रिक छंद होता है, चौपाई एक मात्रिक छंद होता है, ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 16 मात्राएं होंगी, यहां पे 16 मात्राएं होंगी, ऐसे दूसरी चौपाई 16 मात्राएं चरण, ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण और ये आपका चतुर्थ चरण, ये चार चरण इसमें होते हैं। जैसे आपने सुना होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशते हूं लोक उजागर, तो ये भी आपकी क्या है? एक तरीके से एक चौपाई होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा चौपाई। दूसरा है आपका जैसे दोहा, दोहा में क्या होता है कि एक जो होता ये होता है आपका मात्रिक अर्धसम छंद, ये होता है आपका मात्रिक अर्धसम छंद होता है, और इसके जो विषम चरण होते हैं, जैसे मतलब एक दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, ये उसका प्रथम चरण हो गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ठीक है, निज मन मुकुर सुधारी, और वर्णव रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी, हनुमान चालीसा की स्टार्टिंग यहां से होती है। तो इसके देखिए जो विषम चरण होते हैं, जैसे ये पहला चरण हो गया और ये तीसरा चरण हो गया, ऐसे ये दूसरा चरण हो गया, ये चतुर्थ चरण हो गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मकुर सुधारी वरणव रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी। तो देखिए, तुक तो बन रही है, सुधारी मतलब दूसरा जो है आपका और चौथा है, इनमें तुक एक बन रही है, ठीक है। यहां पर जो होती है आपकी जो विषम चरण होते हैं उनमें 13 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण होते हैं उनमें आपकी 11 मात्राएं होती हैं, तो ये इसकी विशेषता है, 13 11 13 11, और इसमें कितनी कितनी होती हैं? 16 16, तो टोटल एक पूरी चौपाई में कितनी हुई? 32, और इसमें टोटल कितनी हो गई? 13 13 26 और 26 और 11 11 22, तो टोटल 48 मात्राएं इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तीसरा है आपका सोरठा, सोरठा जो थोड़ा सा इसको पढ़ने का अलग तरीका होता है, मैं आपको एक सोरठा बताता हूं कि कुंद इंदु सम देह उमा रमन करना यतन जाह दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन।
आप कोई सा भी पढ़ लीजिए, मुझे एक बहुत फेमस एक सोटा है वो याद नहीं आ पा रहा है अभी। तो हाँ, आपने सुना होगा, जान गौर गौरे अनुकूल, सिय ही है हरस न जाहे कहें, मंजल मंगल मूल बाम अंग परख फर करने लगे। इस तरीके का एक जो आपका श्रीराम स्तुति जो होती है उसमें ये है, ठीक है। तो ये सोठा होता है और इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। और इसमें जो विषम चरण होते हैं सोरठे के, उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण होते हैं उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब अगर हम दोहे को और सोरठे को कंपेयर करें तो जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमने क्या देखा था, इसमें विषम चरण में 13-13 होती हैं, तो इसमें सम चरण में 11-11 होती हैं। इसमें सम चरण में 13-13 होती हैं, 11-11 होती हैं, तो इसमें 13-13 होती हैं। ये बेसिक डिफरेंस इसमें होता है, ठीक है। तो ये था आपका जो छंद होते हैं। नेक्स्ट है, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। देखिए, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की टोटल जो संख्या है वो है 9। तो जितने रस के प्रकार आपको पढ़ाए जाते हैं, जितने रस आपको पढ़ाए जाते हैं वो ही हैं। उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। देखिए, उत्थान जो है आपका, उत्थान में उपसर्ग है आपका उत, उत प्लस थान, उत्थान। निम्न में अलंकार है, तो देखिए आप समझ ही गए होंगे, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये सी लग गया, सी सा ये जो होते हैं किसमें लगते हैं, आपके उपमा अलंकार में लगते हैं। इनके देखिए, मैंने वीडियोस बनाए थे, रसों पे वीडियो बनाए हैं मैंने, छंद का वीडियो नहीं बनाया है, समास पे वीडियो बनाया हुआ है, हिंदी की सारी हिंदी की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप इनको देख सकते हैं। और व्यापम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलंकारों के ऊपर, वो सारे मैंने उसमें बनाए हुए हैं, जरूर आप देख लें उनको, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ये पूरा एक कंप्लीट एक वाक्य इसमें दिया हुआ है, तीन ए दिए हुए हैं, ठीक है। इसको यहां से पढ़ेंगे, हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में। मतलब एक पूरा एक सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहला ये है आपका, ठीक है, दूसरा आपका ये है, और तीसरा आपका ये है। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, चीन, जापान, रूस तथा तुर्की, ठीक है। पहली चीज तो देखिए, यहां पे कॉमा नहीं है, इनमें कॉमा यहां पर दो जगह होना चाहिए। दूसरा यहां पे दिया हुआ मैं, ये मैं कौन सा है, मैं जाता हूं, ये वाला मैं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसमें दो मात्राएं नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ एक मात्रा होना चाहिए, तुर्की में, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध जो है वो कौन सा है, ए। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, ये कौन सा वाक्य है। देखिए, और लग गया यहां पर, मतलब ये कौन सा वाक्य हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य। अगर वहां पर लिखा होता है वहां गोली चली, तो ये कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य होगा। चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान, देखिए आप जब भी चा बोलोगे, छा बोलोगे, जा बोलोगे, तो ये जो उच्चारण स्थान है इसका वो कौन सा होगा, तालब्य होगा। आपकी जो जीभ है, जब आप चा बोलते हो चा, तो वो जीभ आपकी तालब्य से टकराती है, ठीक है। उसी के हिसाब से ये तालब्य से आपका होगा, चा छा जा झा ना। अब ये आपका एक जो इंग्लिश में कंप्रहेंशन होते हैं, पैराग्राफ या गद्यांश जिनको हम कहते हैं, ये क्या है, आज के युग में विशेष करके यही कुछ देखने में आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। इसके कारण माँ बाप भाई बहनों से झगड़े हो जाते हैं, हत्याएं तक होती हैं, जायदाद के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, समझते हैं कि बाप या भाई हमारा क्या भला करेगा, पैसे से तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, सब सुख पैसे से है। देखिए अल्टीमेटली यहां पर बात किसकी करी जा रही है, अल्टीमेटली बात पैसा पैसे की करी जा रही है। मतलब माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है, ठीक है, जायदाद के चक्कर में बंटवारे होते हैं, लड़ मरते हैं एक दूसरे को, कोई बाप को मार देता है, कोई भाई को मार देता है। तो यहां पे देखिए चार दिए गए हैं, अब इसमें अपने को क्या देखना है, इसमें इसका एक टाइटल अपने को देखना है, ठीक है। क्या है टाइटल, सठ सुधर है सत संगति पाई, मतलब सठ मतलब होता है मूर्ख, ठीक है ना। तो अगर उसको सत्संगत मिल गई तो वो सुधर जाता है, तो इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, मतलब एक को अगर साधो तो सब सत जाते हैं, और अगर सबको साधो तो सब चले जाते हैं, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है। तीसरा है बाप भला बना भैया सबसे बड़ा रुपैया, ठीक है। तो ये देख के ही आपको समझ में आ गया होगा इसका सबसे बेस्ट टाइटल यही होगा, ठीक है। फिर है अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधी भरी हुई जो गगरी होती है वो, उसका जो पानी होता है वो हमेशा छलकता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है, तो मतलब इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर है लाला लाभ में कौन सा समास है। देखिए ला ला सॉरी ला लाभा लाभ, ये क्या है आपका, लाभ और लाभ, तो बीच में जो और लगता है, जैसे हानि और लाभ, हानि लाभ,
हानि लाभ, तो ये क्या होगा आपका हानि और लाभ। देखिए समास के उदाहरण है, ये द्वंद्व समास का आपका उदाहरण है, लाभ और लाभ। निम्नलिखित छह वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये जो फर्स्ट है आपका और सिक्स्थ है ये निश्चित हैं। जब एक व्यक्ति किसी कार्य के विषय में, अब देखिए योग्यता अधिक समझता है तो ये तो नहीं आएगा, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी कार्य, जब एक किसी कार्य के विषय में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी कार्य, ठीक है, तो ये हो सकता है अपनी कार्य योग्यता अधिक समझता है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका रा आएगा, ठीक है, योग्यता अधिक समझता है या आएगा, तो रा या। अब देखिए योग्यता अधिक समझता है उसे वह सरल तथा संभव समझता है, तो ये तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, योग्यता अधिक समझता है जो कार्य अन्य व्यक्तियों को कठिन अथवा संभव असंभव प्रतीत होता है उसे वह सरल तथा संभव समझता है, यह आत्मविश्वास का परिणाम है। तो आप समझ गए होंगे इसके बाद इसमें क्या आएगा, ला आएगा और उसके बाद क्या आएगा इसमें वा। अब मैं एक बार आपको पूरा पढ़ के बताता हूं तो आप समझ जाएंगे। जब एक व्यक्ति किसी कार्य के विषय में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी कार्य योग्यता अधिक समझता है, जो कार्य अन्य व्यक्तियों को कठिन अथवा असंभव प्रतीत होता है उसे वह सरल तथा संभव समझता है, यह आत्मविश्वास का परिणाम है। अब आप समझ गए होंगे ये क्या हो जाएगा, रा या ला वा, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। बस इतना ही वेतन मिलता है, जैसे तैसे दाल रोटी, देखिए हो जाती है नहीं, बन जाती है नहीं, निकल जाती है नहीं, चल जाती है, दाल रोटी चल जाती है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मुहावरा, जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है अपने को यहां पे, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, बिल्कुल सही है। इतनी रात गई आप कहां थे, तो यही मुझे गलत लग रहा है इसमें। देखिए तीसरा क्या है, मैं मेला देखने जाता हूं, बिल्कुल सही है। एक और एक ग्यारह होते हैं, बिल्कुल सही, तो ये क्या है, इतनी रात गई आप कहां थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतनी रात गए आप कहां थे, ठीक है, ये होना चाहिए यहां पर। गाय का में संधि है, देखिए गाय का जो संधि है ये गुण स्वर अयादि स्वर दीक स्वर ज्ञान स्वर, मैंने संधि वाला जो वीडियो बनाया था उसमें सब कुछ बताया था, इसमें आपका अयादि स्वर संधि होगी। और गायका को हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे, गायका संधि ये हो जाएगा आपका, जैसे गायक होता है गय प्लस अक, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका गय प्लस इका गायका। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए ये भी मैंने वीडियो बनाया था, तत्सम तद्भव का, तो इसमें तत्सम शब्द होगा आपका जिह्वा, आम हो गया, दूध हो गया, उंगली हो गया, ये तीनों देखिए तद्भव शब्द हैं आपके। तो दोस्तों ये थे, आप समझ सकते हैं कि हिंदी का जो लेवल है वो कितना आसान है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।